हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है जितिया व्रत का पारण और अभी बज रहे हैं 4:40, यानी कि अभी भी 20 मिनट टाइम है और हम अभी जस्ट कॉलेज से आए हैं। और ये मेरी माँ का हाल दिखाते हैं, आप नहीं दिखा सकते हम अभी आपको माँ को, क्योंकि मेरी माँ सो रही है और टाइम का इंतजार कर रही है 5:05 पे, और हम खाना खा रहे हैं। फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद दिखाते क्या क्या होता है, क्योंकि टाइम 5 बजेगा, उसके बाद ही कुछ शुरू होगा। गाइस, मेरा ये कूलर खराब हो चुका है और अभी आ चुका है कूलर वाला, हम खा ही रहे हैं। कूलर वाला आ चुका, फटाफट से खाते हैं। मेरी माँ का हालत देखिएगा आप लोग, दिखाते हैं बिना पानी के, बस आप उसी क्षण में व्रत टूट जाएगा। कूलर ही वाला छाए पता नहीं घर के ना पता चले कूलर वाला था हमारे। तो हम खा चुके हैं खाना और तभी कूलर वाला नहीं बट कूलर वाला आने वाला है। हम लोग, मेरी सासू माँ जो ससुराल गई थी अपने मतलब गांव, और हम मायके, उस टाइम में भूस क्या किया, सारे कूलर के अंदर जा करके कूलर को कट कर दिया और वो खराब हो चुका है इतना ज्यादा। मतलब रात में चलाते और सुबह में ऐसे नीचे देखते हैं, बेड से नीचे बुलाता है कि नीचे तो बाढ़ आ चुका है, इतना ज्यादा पानी लीकेज होता है। तो वही आएगा तो उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बट आजकल का चार्ज भी इतना ज्यादा मांगता है, मतलब कि वो आएगा उसी का 400 लेगा, आप काम क्या करेगा उसका बात पर पता नहीं उसमें कितना चार्जेस लेगा। तो चलिए माँ से बातें करते हैं, माँ का क्या हाल है पूछते हैं। माँ किसी से बात करने लगी, गाइस 5:00 है, हम अपनी माँ का हालत आप लोगों को दिखाते हैं और मात्र 5 मिनट और है, दिखाते हैं कितना होता है। देखिए 5:00 है, अब हम क्या होते हैं गिनती शुरू करते हैं कि 5 कब बजेगा। अभी देखिए हमारी माँ को प्यास लग रही है, नहीं बजा हुआ आ गया, 5 ही बजा है। पाँच बजे तो माँ बोली है हमको चावल लेकर के आने के लिए, बट कौन से ड्राम में हो गया। इस वाले में, इसमें से माँ के लिए चावल लेना है हमको। चावल ले लिया माँ के लिए, अब जाते हैं नीचे। पांच बज के 3 मिनट हो चुका है, कॉल पर जब माँ 5:03, 3 मिनट ज़्यादा नहीं नहाए। तो 5:04 हो चुका है, बस 1 मिनट और बाकी है ना माँ, 1 मिनट है ना, 6 मिनट है ना, 7 मिनट अच्छा बस 10 गिनते हैं, देखें तब तक हो जाएगा। अभी बज रहा है 5:04, अब हम यहाँ पे काउंटिंग शुरू करते, देखते कितना बज गया। 5:05 बहुत गया है, 5:05 थक गई थी माँ, माँ की हंसी देख लीजिए, सच कह माँ चल पार लगे।
चलो वहाँ मुँह आके गुड़ लगे छी। हमरा आशीर्वाद दियो ना माँ। खूब आशीर्वाद दै छी सुहागवती। देखिए ये फोन की है। 5:05 भ चुकल छ। अहाँ रहू ना, माँ से बतिया लिए, गोर लागि लिए माँ के लिए। तो जितिया व्रत समाप्त होता है। चलो माँ पानी पिए चलो। चलो हम साड़ी लेके चले। अरे हम ब्लॉग बना रहल छी अभी। गोर लगवा मैं तो माँ चलती है अब नहा, मतलब दत्त महीन करेगी पहले, उसके बाद स्नान करेगी और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता है, देखती दिखाती हूँ आपको भी और मैं भी देखती हूँ। लगता नहीं था कि ये जितिया मतलब कि समाप्त होगा, लेकिन भगवान जी का इतना ज़्यादा कृपा है ना कि कल शाम से लेकर अभी तक भगवान जी पूरा मौसम ठंडा किए हुए हैं। एकदम बारिश होता है तो कभी हवा चलती है तो ठंडा ठंडा, एकदम दो दिन से एकदम सुंदर भगवान जी मौसम करते हैं। अब कल से भगवान जी एकदम सूर्य भगवान एकदम धूप के साथ निकल जाएंगे। मिलन माता मैं गया। 5:08 हुई है। लाइट्स ऑन कर दे छी। चलो देखिए मौसम कितना तो सुंदर लग रहा है ना। पूछा जाए छी उनका सबसे, पूछ लियो। तो मैंने सेव कर लिया है कट, और अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी। पानी लेकर जाते हैं जग में, एक जग पानी लाते हैं और सेब को यहाँ रख दिया कट करके। पानी ले लेते हैं, माँ पानी पियेंगे। धो देते हैं पहले इसको।
हम बनाएंगे अपनी माँ के लिए, क्योंकि माँ बोली है उनको बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है। प्याज वाला कचरी नहीं होता है, कचरी रोटी चावल, तो माँ के लिए यही बनेगा आज। और देखते हैं क्या क्या और माँ बोलती है इसके बाद। पहले तो अभी बोलिए कि उनको कचरी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। पानी ले लिए, चलते हैं माँ के पास। ओह शिट, पानी ले लिया। चलिए अब प्रणाम कर लेते हैं भगवान जी को। इफे का जाए छी हां छत पर अम्मा के तो डरे भगे। माँ इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, सबको प्रसादी दे रही है। देखिए मेरा प्रसादी, देखिए पांड्या। खाइए माँ पानी, ऐ पड़ा कुछ चाय चढ़ा। अच्छा इतने खाई लग ना, ये ना हमने खाई थी। तो माँ पी रही है अब चाय, और अब माँ हंस के दिखाएगी सबको। तो अब माँ चाय पी रही है, फिर खाना खाएंगी। अभी नहीं खाना खाएंगी, सेब खाई है, चाय पी रही है, थोड़ा देर के बाद खाना खाएंगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाय बाय। हम बाय बाय कर दिया।